नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से एक पोस्ट चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोरोना को बिल्कुल रोक सकते हैं और कोरोना को ठीक कर सकते हैं। तो उसके जवाब में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज कोरोना को रोक सकते हैं या कोरोना को ठीक कर सकते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज खुद जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते। तो दोस्तों, आज आपको इस प्रश्न का जवाब मिलने वाला है, आपकी सभी शंकाओं का समाधान होने वाला है। बस आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, आप सभी उसको फॉलो जरूर करें। सरकार ने जो निर्देश इस लॉकडाउन के दौरान दिए हैं, उन सभी निर्देशों को, हिदायतों को पूरी तरह से पालन करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप उनका जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं। दोस्तों, क्या आप श्री राम जी को भगवान मानते हैं? अगर आप हिंदू हैं तो आप जरूर कहेंगे कि बिल्कुल, इसमें मानने की क्या बात है, वो तो भगवान ही है। कुछ कहेंगे कि श्री राम जी विष्णु भगवान जी के अवतार थे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर वो भगवान हैं तो वो 14 साल की जेल यानी वनवास काटने क्यों गए? अब इसमें कुछ कहते हैं कि राम जी तो अपने पिताजी के आदेशों का पालन करने के लिए और एक आदर्श पुत्र का नमूना स्थापित करने के लिए वनवास काटने गए थे। चलिए ठीक है, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, श्री राम जी तो आदर्श स्थापित कर रहे थे, परंतु सीता माता जी विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी का अवतार थी, फिर उन्हें 14 साल रावण की जेल क्यों काटनी पड़ी? फिर लोग कहते हैं कि ये तो राम भगवान की लीला थी। तो अगर ये राम भगवान की लीला थी, तो मुझे एक बात बताइए, अगर राम भगवान लीला करने के लिए जेल जा सकते हैं, तो आज कलयुग में संत रामपाल जी लीला करने के लिए जेल में क्यों नहीं जा सकते? कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी तो इंसान है और इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर संत रामपाल जी महाराज आज इंसान हैं, तो श्री राम भी तो इंसान के चोले में ही आए थे। तो अगर श्री राम जी भगवान थे, तो संत रामपाल जी भगवान क्यों नहीं आ सकते? दूसरी चीज, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर संत रामपाल जी भगवान हैं, तो जेल तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ जाते? तो दोस्तों, आपको बता दूं, जेल तोड़कर तो बदमाश भागा करते हैं, जेल तोड़कर वो भागते हैं जिनका दोष होता है। संत जेल तोड़कर नहीं भागते, संत तो जब राजा व इज्जत जेल से लेकर जाता है, तब इज्जत के साथ जेल से आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जेल से अपने समय के अनुसार ही आएंगे। और अब बात रही कोरोना की, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, आज बिल्कुल सही टाइम है जब आप संत रामपाल जी की शक्तियों की परीक्षा ले सकते हैं। वैसे तो सब ये कह देते हैं कि साइंस और डॉक्टर ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज साइंस डॉक्टर सब बड़े बड़े देशों की शक्तियाँ कोरोना के सामने घुटने टेक चुके हैं, सब जानते हैं। और इसी कारण से आज लगभग 3 अरब लोग, 300 करोड़ लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे टाइम में जब सब कुछ फेल हो चुका है, तब सब लोगों को संत रामपाल जी की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। और कोरोना के मरीजों को भी संत रामपाल जी की परीक्षा लेकर चेक करना चाहिए कि सच में उनके पास वो पावर है कि वो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं या नहीं। और संत रामपाल जी के जेल में होने के बाद आज तो आधे से ज़्यादा संसार खुद भी जेल में बंद होकर रह गया है। तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज इस कोरोना को, तो क्या कोरोना के बाप जैसी खतरनाक बीमारी भी हो, तो उसे भी ठीक कर सकते हैं। आप एक बार इसको चेक कर तो देखो, आप संत रामपाल जी महाराज की घरों बैठे पुस्तकें पढ़कर देखो, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनकर तो देखो। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज कोरोना को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और वो जेल से
अपने समय के अनुसार आएंगे, जैसे भगवानों ने लीला की थी। आज संत रामपाल जी महाराज भी ऐसे ही लीला कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।